उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में युवती के साथ दुष्कर्म की घटना के मामले में राजनीति गर्माती जा रही है। संसदीय सचिव और जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि यूपी की कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है, दलितों पर लगातार अत्याचार के मामले बढ़ रहे हैं। बता दें, मृतका की आत्मा की शांति के लिए विधायक सहित कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सिरासर चौक स्थित अमर जवान स्मारक पर मौन धारण कर मोमबत्तियां जलाईं। इस दौरान विधायक ने दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग भी की। हमारी बहन मंजूषा वाल्मीकि, जिसके साथ उस प्रदेश के कुछ दरिंदों ने जो कृत्य किया, वो पूरी इंसानियत को झकझोर देने वाला मामला है। और इस तरह के अपराध करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, ये हम सब मांग करते हैं।